खुश हैं आज यहाँ शादी किए हैं वैदिक परंपरा के अनुसार? कितने खुश हैं? बहुत खुश है। यहाँ पे जीवन जीवन की जोर से जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाया जाता है। माँ पात्र हमें सिखाते हैं कैसे वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ सभी चलता है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन में तो कोई मलाल नहीं रहेगा ना कि मैं बाहर में शादी नहीं किया नाच गाने के साथ? मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा। खुशी रहे? क्या नाम है आपका? खुशबू। कहाँ से आई थी आप? हम सूरत से आए। सूरत से आए थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सीधे तस्वीरें माँ विश्वम्भरी का दर्शन करिए घर बैठे ही भारत उदय समाचार के माध्यम से। गुजरात राज्य के वलसाड जिला के वलसाड तालुका के राबडा गांव से सीधे तस्वीरें माँ विश्वम्भरी के अलौकिक क्षण जो प्रतिमा लगाया गया है, अकल्पनीय दृश्य माँ विश्वम्भरी धाम से दिखा रहे हैं। विश्वम्भरी धाम की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन राबडा गाँव से ही हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का जो सपना देश देख रहा है, वही बुलेट ट्रेन अब इसी गांव से गुजरेगा, मुंबई रास्ता होगा और अहमदाबाद तक पहुंचेगा। हम बात कर रहे हैं आज माँ विश्वम्भरी धाम में हुए 5 जोड़े के विवाह के बारे में। देख सकते हैं भव्य रूप से मंडप को सजा दिया गया है। यह पूरा खर्चा, पूरा जो तैयारी है, जो मंदिर प्रशासन है उनके द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं यह विशेष कवरेज आज हम दिखाएंगे। सभी जो वर वधु हैं वो काफी खुश हैं, अलौकिक शादी उनका हो रहा है और यह शादी करने के लिए बरसों से, महीनों से वो इंतजार कर रहे थे। काफी एक्साइटेड थे कि आखिरकार जो यहाँ पर पुराने रीति रिवाज के अनुसार जो माँ सीता और भगवान राम का जो शादी हुआ था मिथिला क्षेत्र में, जैसे शादी होता है जहाँ पर माँ जानकी और भगवान राम को जो शादी के लिए जो तैयारी की गई थी उसी अनुसार यहाँ पर किया जा रहा है। और आदि काल से वैदिक संस्कृति के अनुसार यहाँ पर शादी विवाह आज हो रहा है। सैकड़ों विवाह हो चुका है, यह जानकारी मंदिर प्रशासन के द्वारा दिया गया। इन महिलाओं को आपने देखा, इन महिलाओं को देखिए, सभी गीत गा रही हैं, यहाँ पर भगवान का गीत गा रही हैं और इस शादी के गवाह बन रही हैं। इन सभी जोड़ों को देखिए, सबसे पहले इन्होंने गाय को भोजन कराया है, देख सकते हैं। इन सभी रीति रिवाजों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन भगवान राम और सीता के बारे में अगर बात करें तो उस समय में सीताराम विवाह की जो विलक्षणता थी यह है कि इसमें इच्छा स्वयंवर भी हुआ था। वह इच्छा की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, श्रीराम सीता की इच्छा एक दूसरे को वरण करने देखने की हुई, जहाँ पर पुष्प वाटिका में एक प्रकार से इच्छा स्वयंवर हो जाता है। धनुष तोड़कर प्रण स्वयंवर पूरा किया गया, टूटत ही धनु भयो विवाह हो, मतलब धनुष टूटते ही शादी हो गया था। और तीसरा विवाह शास्त्रीय विधि विधान से लौकिक रीति से किया गया। यहाँ पर देश के अनेक भागों में नर नारी अपने जीवन में आनंद उत्साह मंगल की कामना के लिए आज भी श्री सीताराम विवाह का गायन करते हैं। यही नहीं, पारिवारिक जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी राम जानकी विवाह के स्मरण में ढूंढते हैं। आज विशेष कवरेज देखिए यह ऐतिहासिक तस्वीर जिसमें वर वधु काफी खुश हैं और उनके परिवार वाले भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं यही महापात्र हैं जिनका दर्शन कर पा रहे हैं। सभी वर वधु शादी होने के बाद यहां पर आए हैं और महापात्र का दर्शन कर रहे हैं। आपको इंटरव्यू भी सुनाएंगे और पूरा तस्वीर दिखाएंगे कि आज माँ विश्वम्भरी धाम मंदिर प्रशासन ने जो इतिहास रचा है, जो कार्य किया है, वो काफी बहुत ही चर्चा लायक है और बहुत ही जय माँ विश्वम्भरी। आदिकाल से चलती आ रही वैदिक संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। विवाह को श्रेष्ठ साबित कर हमारे ऋषियों ने धन्य गृहस्थाश्रम कहकर सांसारिक जीवन के गुण गाए हैं। ऋषियों के समय की हमारी भूली हुई वैदिक सांस्कृतिक परंपरा को पुनः उजागर करने हेतु श्री महापात्र के मार्गदर्शन अनुसार माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा के पावन और दिव्य धाम में लगातार 4 वर्षों से वैवाहिक उत्सव मनाया जा रहा है। आज के समय में गृहस्थी जीवन की बुनियाद हिल गई है। आज के समय में लाखों करोड़ों की शादियां होने के बावजूद, तमाम रस्मों रिवाज के बावजूद, कुंडलियां मिलाने के बावजूद, कुछ ही सालों में, यूं कहें कि कुछ ही महीनों में शादी का मतलब भुला दिया जाता है और शादियां टूट जाया करती हैं, जिसके वजह से दोनों परिवार में एक झगड़ा जैसा माहौल बन जाता है। बता दें कि आज आतिशबाजी को देखें, जिसको कि पर्यावरण खराब करने के लिए एक तरह से देखा जा सकता है। यहाँ पर प्राकृतिक का जो खंडन हो रहा है, नाच गाने की को शादी में जोड़कर
फैशन और वेशन को अपनाकर हमारी वैदिक संस्कृति नष्ट हो रही है। महापात्र कहते हैं कि सही मायने में शादी का मतलब है सच्ची समझ। यदि पति पत्नी एक दूसरे को समझकर अपना जीवन बिताएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, पूरी निष्ठा से करें, तो सभी प्रश्नों का समाधान यूं ही हो जाएगा। अब हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कैसे शादी यहाँ पर हुआ है। यह विवाह की खास बात यह है कि मनुष्य को ऋण बंधन से मुक्त होने के लिए 5 मुख्य उद्देश्य का समन्वय किया गया है। पहला है माता पिता। माता पिता परिवार के बुजुर्ग की उपस्थिति और सहमति, माँ शक्ति, माँ शक्ति का सानिध्य एवं देवी देवताओं की उपस्थिति। तीसरा, वैदिक संस्कृति किसी भी प्रकार के आडंबर के बगैर कोई भी फिजूल खर्च को ना कर वैदिक संस्कृति अनुसार सूझबूझ के साथ जो जीवन जीने के लिए जरूरी है वही रीत से लगन उत्सव करना। चौथा, प्रकृति के रक्षण हेतु स्वयं हाथों से वृक्षारोपण एवं प्रकृति के जतन की जिम्मेदारी। पांचवा, गौ माता नव जोड़ों के हाथों गौ माता का पूजन, घास चारा एवं गौ माता का रक्षण पालन पोषण की जिम्मेदारी। इस प्रकार यह 5 उद्देश्य के समन्वय के साथ वैदिक परंपरा अनुसार यह दिव्य विवाह की शुरुआत श्री महापात्र द्वारा इस धाम में हो चुकी है। अब आपको इंटरव्यू सुनाएंगे। यहाँ किरीट भाई हैं जो पूरे मंदिर प्रशासन का जिम्मा उठाए हुए हैं और एक एक श्रद्धालुओं का ख्याल रखते हैं, मैनेजिंग में हैं, उनका हम इंटरव्यू सुनाते हैं। खुशबू जी के साथ शादी हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं? जीवन रीत सीखो मड़े, जीवन जीने की रीत सिखाई जाती है यहाँ से। घर में कैसे रहा जाए, समाज में कैसे रहा जाए, वो सब इधर सिखाते हैं। अच्छा लग रहा ना? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए थे आप? सूरत से। आज यहाँ विशंबरी धाम में जो 5 जोड़ों का शादी हुआ है, इसका क्या डिटेल्स क्या है इसका? यहाँ पे जो वलसाड जिले का जो वलसाड़ सिटी है उसके 15 किलोमीटर दूर राबड़ा गांव से, यहाँ पे एक स्वर्ग समान माँ विशंबरी है धाम। तो यहाँ पे आज 5 नव युगल का आज वैदिक परंपरा के अनुसार शादी था। जो श्री राम और सीता जी का जो लग्न ग्रंथि से वो जुड़े थे, वैसे ही परंपरा वैदिक परंपरा से आज यहाँ पे शादी हुई है। आज हम देखते हैं कि पूरे जो लग्न का माहौल है उसमें आज देखेंगे तो इतना देखा देखी में इतना खर्चा करते हैं लोग, उसमें प्री वेडिंग के खर्चे आते हैं, फिर वो पटाखे आते हैं और बैंड बाजा के साथ में इतना शोर करते हैं और इतना बड़े बड़े पंडाल डाल के उसमें जो खर्चा होते हैं, तो ये सब इतने खर्चे में से आज लोग शादी के लिए खर्चे करते हैं, बाद में उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो ऐसी जो अपनी ओरिजिनल परंपरा थी वो श्री महापात्र जी ने जो ये धाम के स्थापक है उन्होंने दिखाया, वैदिक मतलब वैदिक परंपरा। तो उस अनुसार अभी यहाँ जो शादी हुई है 5 युगल की, तो ऐसे तो यहाँ पे सैकड़ों शादी हो चुकी है और ये शादी है वो समझन पूर्वक की शादी है। यहाँ लग्न बंधन है वो उनका जो वचन जो सप्तपदी के साथ फेरे है उनका जो वचन है वो वर कन्या निभाते हैं और वो याद रखते हैं पूरे जीवन में, और जो उसके अनुसार ही वो शादी में जो 5 ऋण बंधन महापात्र जी ने दिखाए, माता पिता, शक्ति, कुलदेवी शक्ति और गाय माता, वैदिक संस्कृति और प्रकृति, तो वो भी यहाँ प्रैक्टिकल में वो निभाते हैं और वो आचरण में लेते हैं और पूरे जीवन में वो निभाते रहते हैं। तो उनके जीवन में ये आचरण से उनका घर एक घर मंदिर बन जाता है। और आज देखेंगे तो 10 शादी में से 8 शादी तो टूट जाती है क्योंकि समझन पूर्वक के जो लग्न नहीं होते तो उसकी वजह से ये मैरिज में भी ये सब टूट जाते हैं। तो समझन पूर्वक मैरिज करेंगे तो ये पूरे आजीवन लग्न सदन। तो इनका डिटेल्स क्या है, जैसे ये बरबधु शादी किए हैं इनको क्या कोई फीस लगता है या फिर कोई फॉर्म भरना पड़ता है या क्या क्या करना पड़ता है? यहाँ पे कोई फीस नहीं है, पहले तो माँ की विचारधारा से वो छोड़ेंगे, फिर वो समझेंगे, फिर वो शादी करते हैं। और घर में भी जो बेटी लग्न करके जाती है तो वो भी बेटी सम्मान देती है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश के लोग या बिहार के लोग हैं या अलग अलग राज्यों से यहाँ रहते हैं आसपास में लोग, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? भी कर सकते हैं, पहले उनको घर मंदिर बनाना पड़ेगा। घर मंदिर मतलब घर को साफ सुथरा, घर को मंदिर में जैसा पवित्रता होती है वैसे घर मंदिर बनाना पड़ता है। और घर मंदिर में क्या है कि विश्वम्भरी माता का विचारधारा का स्थापन करना पड़ता है, उनकी जो कुलदेवी है उनका स्थापन करें और घर मंदिर बनेगा तो उनके अंदर सच्ची समझन आएगी तो वैसे जीवन जिएंगे। उनके बाद उनको शादी अगर करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं विश्वम्भरी धाम में।
कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आप इतनी उम्र के हो गए हैं जब यहाँ शादी देख रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो ये जो श्री महापात्र जी ने ये प्रणाली दी है तो सबसे अच्छी और एकदम खर्चा इसमें कम आता ही नहीं है, कम से कम खर्चे में ये शादी होती है। तो इससे क्या होता है कि अपने पास जो बचत रहेगी तो उसे हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, और पूरा शादी में ही खर्चा हो जाता है तो आदमी का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। क्या नाम है आपका अभी? मेरा नाम किरीट भाई। आप क्या हैं अभी? मैं यहाँ पे विश्वम्भरी धाम में होनररी सेवा देता हूँ, यहाँ पूरा मैनेजिंग अथॉरिटी में हूँ। आप ही देखते हैं? हाँ, चलिए, थैंक यू। नीचे बेसिन पाओ, नीचे बेसिन।